तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्रोमेनियम का ओकरेंस, उसकी मेटलर्जी और उससे कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे हम क्रोमेनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके ओकरेंस से। क्रोमेनियम नॉट फाउंड नेटिव, ये नॉर्मली तो फाउंड नहीं होता है अपनी जगह पे। इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ओर या फिर कोई मेटल हो तो उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो क्रोमेन, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है कि क्रोमेन मिनरल का नाम बताइए, तो हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या नाम दें। तो जैसे कि हमें क्रोमेन मिनरल का नाम लिखने में इजी वे में प्रोवाइड होगा ये नेम्स। इसका नाम जैसे कि Fe(O)(CR2O3) मेन फेरिक ऑक्साइड क्रोमेट है, ठीक। ऑल्सो फाउंड एज क्रोमेट CR2O3, जिसको क्रोमेट में पाया जाता है। इन दो का नाम अगर आप लिख देंगे तो इजी में आपका अक्सर दो ही नाम पूछता है कि दो नाम को बताइए, तो दो नाम लिख दोगे तो एक तरह से ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये कहाँ पाया जाता है, ये बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में। ये सिर्फ इंडिया के प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो क्रोमेट है वो बिहार, उड़ीसा, मद्रास एक्सेट्रा भी जगहों पर पाया जाता है इंडिया में। इसकी मेटलर्जी हम देखें, मेन ओर क्रोमेट Fe(O)Cr2O3, तो इसका जो मेन ओर है वो क्या है, Fe(O)Cr2O3 है। ऑन रिडक्शन विथ कार्बन लाइम एंड क्लोरस स्पा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका जब रिडक्शन होता है तो किससे होता है, कार्बन लाइम से और क्लोरस स्पार से होता है। एन इलेक्ट्रिक फर्नेस गिव एन एलॉय ऑफ क्रोमेनियम एंड आयरन, इलेक्ट्रिक फर्नेस जब हम इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं इसका, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस का हम यूज़ करते हैं जो कि हमें एलॉय ऑफ क्रोमेनियम और आयरन के एलॉय को देता है। फ्रॉम प्योर क्रोमेनिक ऑक्साइड द प्योर मेटेलिक क्रोमेनियम इज ऑब्टेन विच इज़ फ्री फ्रॉम आयरन। प्योर क्रोमेनिक ऑक्साइड के लिए जो प्योर मेटेलिक क्रोमेनियम है, जब हम उसको मेटलर्जी करेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो हमें क्रोमेनियम कैसे मिलता है प्योर, उसको हम तो देखेंगे, क्योंकि उसमें आयरन की जो मात्रा होती है कुछ ज़्यादा ही होती है। स्टेप्स कैरियर मेटलर्जी, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि मेटलर्जी को कैरी करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर पहला स्टेप है, तो इसमें भी हमने एकदम शॉर्टकट तरीके जो कि बहुत इजी वे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी वे है और जिससे आप आराम से कर सकते हो। पहले जैसे कि ओर लिया, उसको क्रश किया, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले उसका कंसंट्रेशन जो है वो पाउडर फॉर्म में हुआ, पाउडर फॉर्म को एक बड़े से टैंक में डाल दिया, ठीक। देखो बड़े से टैंक में डाला, फिर जिसमें जो कि पानी से एकदम भरा हुआ, तो क्या होता है जो पार्टिकल में वॉश रहते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो पानी में भारी मात्रा में जो बड़े बड़े पदार्थ डालेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो एबव हो जाते हैं, ऊपर तरफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप उठाते हैं रोस्टिंग, जो रोस्टिंग करेंगे तो जो कंसनट्रेटेड रोस्टेड था ओवर का जो कंसनट्रेटेड था उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेस अमाउंट के Na2CrO4 और लिटिल लाइम के में, उसको एक रिवर्टिव फर्नेस नाम का होता है कुछ, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से लंबा सा होता है, तो उसमें हम डालेंगे। जब डालेंगे तो किसको एक्सेस अमाउंट में, लाइम को बहुत थोड़ी सी मात्रा मिलेंगे और Na2CrO4 को ज़्यादा मात्रा मिलेगी उसमें डालेंगे एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, पहले तो लाइम का उसमें काम क्या होगा, जो लाइम है वो मास पोरस को रखा रहता है, मतलब वो उसके मास को कैप्ट किया रहता है, उसको मतलब कम नहीं देता। और जो सोडियम क्रोमेट है, ये जो सोडियम क्रोमेट है इससे प्रोड्यूस होगा, होगा क्या एक्सट्रैक्शन, हमारा क्या होगा, जो हमें एक्सट्रैक्शन मिलेगा उसको हम वाटर के साथ पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर से साफ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद उसको हम एसिडिफाई करेंगे H2SO4 में, तो उसको जब हम करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का रिएक्शन है, टू एन ए सी आर ओ फोर प्लस H2SO4 के साथ किया सोडियम क्रोमेट को, जब किया तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो सोडियम डाइक्रोमेट मिला, फिर सोडियम सल्फेट मिला और वाटर फिर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है हमारा तीसरा जो मेटलर्जी का प्रोसेस है वो देखिए, ये रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट। जो हम डाइक्रोमेट का रिडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें डाइक्रोमेट नहीं था और हमें चाहिए अपना क्रोमेनियम, तो जब रिडक्शन करेंगे डाइक्रोमेट का तो ये रिड्यूस ऑक्साइड बाय फॉलोइंग मैथड, कुछ मैथड से इसको ऑक्साइड करेंगे। कैसे करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को लिया 3 कार्बन के प्रेजेंस में, तो यहाँ का जो 3 कार्बन है इसके साथ चला जाएगा, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा, Na2Cr2O4 और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है चला गया। फिर रिडक्शन हम करेंगे ऑक्साइड के साथ, तो इसमें 2 प्रोसेस से होगा, एक पहला डिवेलियन प्रोसेस से होगा, दूसरा हमारा जो है गोल इसमें थर्मिक प्रोसेस से होगा। जो डिवेलियन प्रोसेस है ऑक्साइड हीटेड, ऑक्साइड को हीट करेंगे किसके साथ, चारकोल के साथ, और किसमें करेंगे, क्रूसिबल में, एक क्रूसिबल लेंगे, लाइम क्रूसिबल लेंगे, उसमें क्या होगा, जो ऑक्साइड है उसको चारकोल के साथ, सुगर चारकोल के साथ हीट करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा ये क्रोमेट है, कार्बन था ये, इसके साथ हमने हीट किया तो हमें अपना क्रोमेनियम मिल गया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है एक है हमारा गोल्ड स्मिथ थर्मल प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, एज ऑल्सो नोन एज एल्युमिनियम थर्मल प्रोसेस, मिक्सचर ट्राई ऑक्साइड एंड ऑल पाउडर इग्निटेड। इसमें क्या हुआ, इसको हम एल्युमिनियम थर्मल प्रोसेस भी कहते हैं, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस को हम एल्युमिनियम थर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम के जो पाउडर होते हैं उनको हमें क्लो क्रूसिबल में लेके हीट करेंगे क्रोमेट के साथ, तो फिर क्या होगा, हमारा एल्युमिनियम है और ये एल्युमिनियम है, फिर हमारा ये क्रोमेट है। ठीक, इन दोनों को लेके किया तो फिर इनका जब होगा तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अपने अलग हो जाएगा और हमें क्रोमेनियम मिल जाएगा नीचे के सरफेस पे। तो इससे हमारा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमेनियम है एक इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा और हमारा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर और भी ऐसे जानना है तो आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे। अगर कुछ ना समझ में आया प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू।